हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुप्रीम मैक। तो इस वक्त मेरे सामने है किया सोनेट GT लाइन वेरिएंट है इसका, ये एनिवर्सरी एडिशन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस, ये आपको रेड कलर में अवेलेबल हो जाएगी। मैं आपको इसके बूट स्पेस बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे बटन होता है, जस्ट बटन को ओपन करेंगे एंड 392 लीटर्स की आप इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। एंड पीछे की ओर बात की जाए तो यहाँ पे आपको रेयर वाइपर एंड रेयर डिफॉगर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये इसकी रही हाई मोटर स्टॉप लैंप एंड ऊपर आपको शाफ्ट एंड इंटीरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रूफ रेल्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो टायर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको किया की बैचिंग देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको रेड कलर की जो एनिवर्सरी एडिशन है उसका भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको डीआरएल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फॉग लाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स जो होगी वो देखने को मिलेंगी। पार्किंग सेंसर्स की बात की जाए तो आगे यहाँ पे आपको फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये रही इसकी फ्रंट के ग्रिल्स एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पे GT लाइन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये रही इसकी फ्रंट की जो आप जैसे कि देख सकते हैं स्कीड प्लेट्स होती हैं वो देखने को मिलेंगी। साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको अंदर की थोड़ा से लुक्स बता देता हूँ। तो ये रहा आप अंदर के लुक्स। तो जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक के साथ आती है 6 एयर बैग के साथ। अभी हम करेंगे इस गाड़ी का फुल डिटेल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक, होल्ड एंड बूट ओपनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो देखने को मिल जाता है। तो कीज़ को रखते हैं साइड पर। तो चलते हैं कार के अंदर, करते हैं इसका ड्राइविंग टेस्ट एंड यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये आपको ऑटोमेटिक वेरियंट देखने को मिल जाएगा। तो बैठते हैं अंदर एंड करते हैं इसका ड्राइविंग टेस्ट। अगर बात करें इसकी इंजन की तो यहाँ पे आपको 1.5 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, मतलब 1500 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। अगर इसकी पावर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 113 BHP की जो मैक्सिमम पावर गाड़ी दे देती है एंड अगर इसके टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 250 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क होता है वो अवेलेबल हो जाता है। एंड इंटरनल व्यू की बात की जाए तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको टच स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से 8 इंचीज़ की टच स्क्रीन आती है यहाँ पे। एंड नीचे आपको सेटअप भी अवेलेबल हो जाएगा, वॉल्यूम एंड सब कुछ। ऑल पे आपको AC के कुछ कंट्रोल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो व्यू होगा कैमरा का व्यू वो देखने को मिलेगा, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। जैसे आपको इसे प्रेस करना है एंड आपको जो बैक व्यू होगा वो कैमरे का देखने को मिलेगा। फ्रंट में इसके कैमरा नहीं है, जैसे आपको 360 व्यू मिलता है ना MG एस्ट्रो में या फिर हेक्टर में, वैसा नहीं है, पर इसमें आपको पीछे का कैमरा अवेलेबल हो जाएगा। एंड अगर इसकी टर्निंग रेडियस की बात की तो यहाँ पे आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको हम थ्रॉटल करते हैं एंड जैसे कि देख सकते हैं पावर, गाड़ी में पावर बहुत ज़्यादा है, टर्बो इंजन होता है। तो जो टर्बो इंजन की कार होती है उनमें पावर काफ़ी ज़्यादा होती है एंड इस वक्त आप देख सकते हैं जब 80 से ऊपर स्पीड जाती है तो ये सिंगल बीप करती है एंड 120 से अगर ऊपर चले जाए तो ये आपको कंटिन्यूस बीप करना शुरू कर देगी। एंड अगर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो होगा वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो स्पीडोमीटर वो आपको डिजिटल देखने को मिलेगा एंड जो इसमें आपको टैकोमीटर वो आपको एनालॉग देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से भी आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गैदर कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी हो गया, डिस्टेंस टू एम्प्टी का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, क्लस्टर ब्राइटनेस भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी और भी जो चीज़ होती हैं वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से पता चल जाती हैं। एंड अगर स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन का भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। SOS का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आप ऊपर IRVM में देख सकते हैं। तो कहीं भी आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है, स्ट्रक हो जाती है, तो जस्ट आप एमरजेंसी नंबर होते हैं इनके, वो आप इनको कॉल कर सकते हैं, देन जो भी सर्विस होगी वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डीकट स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको GT लाइन का जो बैजिंग होगी वो देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। तो हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ग्रिप अच्छे से बनती है। तो इसकी अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इस वक्त नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो आपको प्रॉपर रहेगा जहाँ भी आप जाएंगे नेविगेट होता रहेगा। एंड इसकी अगर सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लेदर रैप सीट देखने को मिल जाएंगी। जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको यहाँ पे 8-way मैनुअल देखने को मिलेगी एंड जो को पैसेंजर साइड सीट है वो आपको यहाँ पे 6-way मैनुअल देखने को मिल जाएगी। एंड अगर सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे एंड ये एनिवर्सरी एडिशन है तो इसमें आपको 6 एयर बैग जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। सनवाइजर की बात की जाए तो जो पैसेंजर साइड सीट का सनवाइजर है वहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, बट ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर आप एकदम थ्रॉटल देते हैं तो गाड़ी की जो पिकअप होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। एंड ये कि आप कहीं भी किसी भी रूट में चले जाओगे, हिल पे जाओगे या प्लेन पे जाओगे, तो आपको जो स्टेबिलिटी है स्टेयरिंग की वो अच्छी लगेगी, नॉर्मली रहेगी।
तो इस वक्त इंजन नॉइस आप सुन ही सकते हैं बिल्कुल नहीं आ रही है अभी तो फिलहाल, सब विंडोज जो होंगे वो क्लोज ही हैं, बट फिर भी आपको इसकी इंजन नॉइस बिल्कुल नहीं देखने को सुनने को मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वरना डीजल कार्स में कुछ कुछ कार्स होती हैं जो कि इंजन नॉइस उनकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वक्त नहीं है। मैं थोड़ी सी आपको विंडो ओपन करके बताता हूं ड्राइवर साइड की, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इंजन में विंडोज़ मैंने ओपन कर दिए हैं, तो यहाँ पे भी आपको इंजन नॉइस बहुत कम ही सुनाई देखने को मिल रही है। एंड जो इसका टर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस है, पर जब ये टर्न होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसमें आपको ब्रेकिंग ट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ABS एंड EBD दोनों का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप इससे फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एज वेल आप अपनी वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कुछ जो कंट्रोल्स होंगे वो आपको वॉचेस में नहीं मिलेंगे, बट फ़ोन में आपको प्रॉपर देखने को मिल जाए। तो इसके अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो अगर हम बेस वेरिएंट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 6,85,000 के एक्शोरूम प्राइस में जो बेस वेरिएंट है वो आ जाता है। एंड अगर हम स्पेसिफाइड इस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो 11,60,000 के एक्शोरूम प्राइस के साथ आ जाता है। ऑन रोड प्राइस डिफर करता है स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, तो उसके लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी सिटी बता दीजिए तो मैं आपको वहाँ का सीधा जो ऑन रोड प्राइस होगा वो आपको बता दूंगा। तो ये रही किया सोनेट GT लाइन एनिवर्सरी एडिशन का फुल ड्राइविंग रिव्यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड गाड़ी के जो फीचर्स होंगे वो भी आपको पता चली गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। तो गाइज, इस गाड़ी के रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो नंबर होगा वो भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट उनसे भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आप उनसे भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये जो हमें जो ये कार मिली है, ये हमें पाल किया शोरूम है जम्मू में, वहाँ से मिली है। तो उन्होंने हमें यहाँ पे इसको टेस्ट ड्राइव के लिए दिए वीडियोस, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमें टेस्ट ड्राइव के लिए वीडियो दी है। एंड गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होगी वो पता चलेगी है मुझे भी, एंड आपको भी इस वीडियो से बहुत सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने टाटा नेक्सॉन की भी डाली थी वीडियो, उसकी अगर कंपैरिजन कर सकते हैं इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड ह्यूंडई की जो वेन्यू है उसका भी इससे कंपैरिजन हो सकता है, आप वहां जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड इस वक्त मैं ये चला रहा हूं तो यहां पे आप फील कर ही सकते हैं कि इस वक्त रिव्यू एंड एक्सपीरियंस कैसा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, वीडियो के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। So stay safe, stay home, and have a nice day.